कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस बॉडी डायगोनल। किसके अक्रॉस कैलकुलेट करते हैं बच्चे? बॉडी डायगोनल, बिना किसी भी किरचॉफ्स ला करंट लॉ के करेंगे मिलके। शाबाश, देखो कितने रेजिस्टेंस है बच्चे, 12 रेजिस्टेंस। देखो बॉडी डायगोनल कौन कौन सा है, बॉडी डायगोनल है अपने पास ये 1 है और ये 6 है, तो ये क्या होगा बच्चे, 1 और 6 क्या है, बॉडी डायगोनल है। तो शाबाश, देखो मैं आपको तरीका बताता हूं स्टैंडर्ड मेथड कैसे करते हैं। इधर रखो बच्चे 1 पॉइंट और इधर रखो 6 पॉइंट, भाई 1 और 6 के बीच में कैलकुलेट करना है, तो इधर रखो प्यारे बच्चों 1 और इधर रखो 6। शाबाश, अब देखो बच्चे 1 से 4 पॉइंट पे, 1 से 4 पॉइंट पे अगर आपको जाना है, 1 से 4 पे अगर आपको जाना है तो कैसे जाओगे बच्चे, इस एज के अक्रॉस जाओगे। अरे शाबाश, हाँ ना, पक्की बात है, किसके अक्रॉस जाओगे बच्चे, एज के अक्रॉस जाओगे। तो 1 से 4 तक पहुंचे साहब हम एज के अक्रॉस, कैसे पहुंचे बच्चे, एज के अक्रॉस। अच्छा, अगर 6 से 4 पे आओगे तो किस तरह आओगे बच्चों, इस फेस डायगोनल से आओगे। किस से आओगे, इस फेस डायगोनल से आओगे। तो सर 6 से 4 तक आए हम फेस के थ्रू, अरे किसके थ्रू आए, फेस के थ्रू, सोच ले एकदम, पक्की बात, शाबाश। इसी तरह बच्चे अगर 1 से लेकर 2 तक हमें जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे, एज के थ्रू जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे, एज के थ्रू जाएंगे, शाबाश। इसी तरह बच्चों 6 से लेकर 2 तक अगर हमें आना होगा तो हम फेस के थ्रू आएंगे, अरे किसके थ्रू आएंगे, फेस के थ्रू, शाबाश। देखो भाई मजा आ जाएगा है ना इस सवाल को करने में। इसी तरह बच्चे 4 2 हो गया, अगर 1 से 8 तक जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे बच्चे, 1 से 8 तक हम जाएंगे सर एज से, अरे कैसे जाएंगे, एज से। ये तो बहुत अच्छी बात है, 1 से 8 तक हम कैसे गए, एज से गए। और 6 से 8 तक बच्चे हम कैसे आए, फेस से आए, अरे कैसे आए, फेस से आए। तो बच्चे देखो 4 2 और 8 ये कैसे पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिनमें हम 1 से तो एज से जाएंगे और वापस किससे आएंगे बच्चे, फेस से आएंगे। बोलो पक्की बात है, शाबाश। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं बच्चे, क्योंकि इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर जो 4 2 और 8 पॉइंट हैं वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, हाँ ना पक्की बात है, शाबाश। हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि सो 4 2 8 आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। अरे कैसे पॉइंट हैं ये, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, एकदम पक्की बात है, शाबाश। चलो भाई देखो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप लोग। इसी तरह से बच्चे अगर इधर हम रखें 1 रखें और इधर हम रखें 6, क्यों रखा है, क्योंकि बेटा 1 6 ही तो बॉडी डायगोनल है, अरे बॉडी डायगोनल क्या है, 1 6 ही तो है, इसी के अक्रॉस तो हमें बताना है। शाबाश बच्चों, देखो सुनो तो भाई, अगर 1 से लेके 6 है ये अपने पास क्या है, बॉडी डायगोनल है, तो देखो बच्चे 1 से 3 तक कैसे जाओगे, बताओ, बोलो बोलो शाबाश, 1 से 3 तक जाओगे फेस से, कैसे जाओगे बच्चे, फेस से। तो 1 से 3 तक जाएंगे सर हम फेस से, और बच्चे 6 से 3 तक कैसे आओगे वापस, वही है, 1 से 3 तक कैसे गए, ट्रेन से गए, 6 से 3 तक कैसे आओगे, 6 से 3 तक आएंगे बच्चे एज से, अरे किससे आएंगे हम, एज से। 1 से 3 तक फेस से गए, 6 से 3 तक कैसे आए, एज से आए, ठीक है ना, किससे आए बच्चे, एज से आए, दिल्ली से कोटा ट्रेन से गए, कोटा से दिल्ली बस से आए, ठीक है, शाबाश, 3 हो गया। अभी देखो अगर बच्चे 5 की बात करें, किसकी बात करें, 5 की बात करें, तो 1 से लेकर 5 तक कैसे जाओगे बच्चे, फेस से, अरे कैसे जाओगे, फेस से। और 6 से 5 तक कैसे आओगे, एज से, 6 से 5 तक कैसे आओगे, एज से। आ रहा है ना मजा, है ना, ऐसे ही सवाल है, यही तरीके हैं, बिना करंट का फ्लो किए हुए, बिना करंट के चक्कर में पड़े हुए। इसी तरह बच्चे 7 पॉइंट है, 1 से 7 तक कैसे जाओगे, फेस से, 1 से 7 तक कैसे जाओगे, फेस से। और वापिस 6 से 7 तक कैसे आओगे, अरे एज से ही तो आओगे, किससे आओगे, नीचे से। आवास आ रहा है ना मजा, देखो तो भाई, तो बच्चे 3 5 7 इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। अरे कैसे पॉइंट है ये सर, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, कैसे पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, ठीक है भाई, बस काम पूरा हो गया। अब क्या है, अब तो बस बनाना है। देखो 1 और 6 के अक्रॉस बताना है बच्चों, तो इधर बनाओ 1 पॉइंट, शाबाश, और इधर बनाओ 6 पॉइंट, ठीक है, पक्की बात है। 4 टू 8 इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो इसी एक पॉइंट को मान लो 2b 4b 8b, तीनों मान ली, शाबाश। 3 5 7 इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो बच्चे यहीं पर इसको क्या मान लो, 3b मान लो, 5b मान लो, 7b मान लो, बोलो पक्की बात है। देखो बच्चे 1 और 2 के बीच में
अरे किस और किसके बीच में, वन और टू के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो बच्चे यहां पर दिखा दो एक रेजिस्टेंस। वन और फोर के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो बच्चे यहां पर दिखा दो उसको। देखो टोटल 12 रेजिस्टेंस होंगे, कितने 12, तो वन और एट के बीच में भी बच्चे एक ये रेजिस्टेंस है, साइड है, तो उसको यहां पर दिखा दो। आ रहा है ना वजह, शाबाश भाई। इसी तरह बच्चों थ्री और सिक्स के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो यहां पर दिखाओ। बोलो पक्की बात, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मान ली आर। रेजिस्टेंस जो है बच्चे, इच रेजिस्टेंस इक्वल टू आर। इच रेजिस्टेंस किसके इक्वल मान लिया, आर के इक्वल मान लिया। टोटल 12 रेजिस्टेंस, थ्री और सिक्स हो गया, तो फाइव और सिक्स के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो उसको यहां पर दिखा दो। बोलो शाबाश। सेवन और सिक्स, सेवन सिक्स के बीच में भी एक साइड है, तो वो भी रेजिस्टेंस है, तो यहां दिखा दो। तो तीन तीन छह, बच्चे छह कहां पर आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। कहां पे, बीच में आ जाएंगे, तो बीच में आ जाएंगे, तो ये बना दो एक। अगर नहीं कहोगे सर कैसे आएंगे बीच में, तो देखो टू और थ्री, टू और थ्री के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वही आ गया। टू और फाइव, टू और फाइव दूर दूर है, कोई साइड कनेक्ट नहीं कर रही, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में। टू और सेवन, तो टू और सेवन के बीच में ये साइड है, तो एक रेजिस्टेंस है, तो बच्चों ये एक रेजिस्टेंस आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो फोर और थ्री, तो फोर और थ्री के बीच में ये साइड है, तो बच्चे एक रेजिस्टेंस ही आ गया। कौन सी खास बात है भाई, फोर और फाइव, फोर ये है, फाइव ये है, इसके बीच में ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, दिखा दो। फोर और फाइव आ गया। फोर और सेवन, ये फोर वो सेवन, दूर दूर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, शाबाश मत दिखाओ। इसी तरह बच्चों एट और थ्री, ये एट है, ये थ्री है, दूर दूर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टिंग नहीं है, तो मत दिखाओ। एट और फाइव, और एट और सेवन, एट फाइव के बीच में ये है, एट सेवन के बीच में ये है, तो दो हैं, उन दोनों को दिखा दो। बताया था ना छह बच गए, उनको बीच में बना दो। तो देखो सारे रेजिस्टेंस आर के हैं, हर एक रेजिस्टेंस बच्चे आर 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 आर। तो बच्चे ये तीनों पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट आर बाई थ्री, ये छे के छे पैरेलल में, इक्विवेलेंट आर बाई सिक्स, ये तीन के तीन पैरेलल में, इक्विवेलेंट आर बाई थ्री। आ गया ना मजा, ज्ञान आ गया जीवन का। तो देखो बच्चे जो आर इक्विवेलेंट आएगा बॉडी डायगोनल 1 6 के अक्रॉस, वो क्या आ जाएगा, तीनों किस में होंगे, सीरीज में। तो आर बाई थ्री प्लस आर बाई सिक्स प्लस आर बाई सिक्स नहीं सॉरी प्लस आर बाई थ्री। तो सोल्व करोगे तो बच्चों क्या आएगा आंसर, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आएगा 2R प्लस R प्लस 2R, तो 5R बाई 6। तो बच्चों बॉडी डायगोनल के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R इक्विवेलेंट बॉडी डायगोनल 1 6 के अक्रॉस, वो आया 5R बाई 6। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे सिमेट्री का यूज करके हमने बड़े से बड़े टफ से टफ सवाल को भी आसान से बिना करंट डिस्ट्रीब्यूशन के, बिना किरचॉफ्स लॉ के हमने कर दिया, ठीक है। तो देखो बच्चे 45 क्वेश्चन करते हैं मिलके, शाबाश, अच्छे सवाल हैं, तीन चार पार्ट दे रखे हैं, सारे करते हैं। सुनो देखो, ये कह रहा है बच्चे ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताओ। क्या बताओ भाई साहब, आर इक्विवेलेंट। तो देखो मिलके करते हैं, सुनो शाबाश, आसान सा सवाल है ये। तो देखो बच्चे आर और आर दोनों किस में है, सीरीज में है, तो बच्चे आर और आर का सीरीज क्या बन जाएगा, 2R बन जाएगा। तो इन दोनों को एक ही रेजिस्टेंस से दिखा सकते हैं, और वो इससे दिखा दिया और क्या बन जाएगा बच्चे, वो 2R बन जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंट हो, आपको समझ में आती है। देखो बच्चे इस रेजिस्टेंस का ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट है, इस रेजिस्टेंस का ये एंड इस पॉइंट से कनेक्ट है, इसी तरह इसका ये एंड भी यहां पर है और इसका ये एंड भी यहां पर है। तो बच्चे दोनों किस में है, पैरेलल में। किस में है बच्चे, पैरेलल में। तो 2R और R का जो पैरेलल होगा बच्चे वो क्या आ जाएगा, 2R इनटू R अपॉन 2R प्लस R 3R। तो बच्चे एक आर ने एक आर को मार दिया, क्या आएगा, 2R बाई 3। तो कहने का मतलब इन दोनों को एक रेजिस्टेंस से दिखा सकते हैं, और उसकी वैल्यू जो होगी बच्चे वो क्या हो जाएगी, 2R बाई 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2R बाई 3, शाबाश। तो बच्चे 2R बाई 3 और R किस में है, देखो एक लाइन में है एंड टू एंड, तो दोनों सीरीज में है। तो बच्चे 2R बाई 3 और R है सीरीज में, 2R बाई 3 सीरीज में है किसके साथ बच्चे, R के साथ, ये दोनों सीरीज में है। तो क्या आ जाएंगे बच्चे, 2R बाई 3 प्लस R, तो क्या आ जाएगा बच्चे, 3R प्लस 2R 5R बाई 3, ठीक है भाई, शाबाश। तो क्या आ जाएगा बच्चे, इन दोनों को एक रेजिस्टेंस से दिखा सकते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 5R बाई 3 आएगी। क्या आएगी, 5R बाई 3। तो बच्चे 5R बाई 3 और R किस में है, पैरेलल है, तो बच्चे यही R इक्विवेलेंट आएगा,
5R/3 into R upon 5R/3 plus R. तो क्या आ जाएगा बच्चे अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5R² / 3 और नीचे आ जाएगा बच्चे 3R और 5R 8R/3 3 से 3 कैंसिल, 1R से 1R कैंसिल, तो बच्चे आंसर आ जाएगा 5R/8 दैट इज अवर आंसर. तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे 45 में ये पार्ट का 5R/8. ठीक है भाई, तो आसान सा सवाल है, आपको अच्छा लगा होगा समझते टाइम पे. आ जाओ बी पे पढ़ते हैं, शाबाश. देखो देखो बच्चे, देख के बता नहीं सकते सीरीज है या पैरेलल है ना. क्वेश्चन की शक्ल पे नहीं लिखा होता सीरीज पैरेलल, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता देखना. देखो बच्चों, ये पॉइंट ए है तो ये ए रहेगा, ये पॉइंट क्या है बी है, तो बच्चे देखो ये पॉइंट भी क्या होगा बी. क्यों होगा सर? क्योंकि कनेक्टिंग वायर है. ये बी है तो बच्चे ये पॉइंट भी क्या होगा बी होगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है. ये भी है तो बच्चे ये पॉइंट भी बी होगा. क्यों होगा सर? क्योंकि कनेक्टिंग वायर है. शाबाश भाई, बहुत अच्छा सुन रहे हो. तो बच्चे ये पॉइंट ए है, इसको ए नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कनेक्टिंग वायर नहीं है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया. ये बी तो बच्चे इसको बी नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया. तो जहां फंस जाओ, जहां क्या हो जाओ, फंस जाओ, उस पॉइंट का रेजिस्टेंस मान लिया करो बच्चे एक्स. क्या मान लिया करो? एक्स. शाबाश भाई, बहुत अच्छी बात है. तो बच्चे ए और बी के बीच में बदलाना है तो एक साइड में ए रखो, दूसरी साइड में क्या रखो? बी रखो. जो नया पॉइंट माना है बच्चे एक्स, उसको बना दो, दोनों के बीच में बना दो. शाबाश भाई. तो देखो बच्चे, ये रेजिस्टेंस किस किस के बीच में है? ए और एक्स के बीच में ये आर है, ये ए है, ये एक्स है. तो ए और एक्स के बीच में बना दो बच्चे आर. ये जो आर है बच्चे किस किस के बीच में है? एक्स और बी के बीच में है. तो ये एक्स रहा, ये बी रहा बच्चे, यहां पे बना दो आर. शाबाश. ये आर किस किस के बीच में है बच्चे? ये एक्स है, ये बी है, इनके बीच में है. तो बच्चे यहाँ पे बना दो, ये आर बना दो. इसी तरह बच्चे ये आर किस किस के बीच में है? ये एक्स से कनेक्ट है, ये बी से, तो इनके बीच में बना दो बच्चे आर. तो चार रेजिस्टेंस थे बच्चों, चारों बना दी. अब हमें दिख रहे हैं बच्चे कौन सीरीज में कौन पैरेलल में. तो ये पॉइंट ए है, ये आर है, ये एक्स है, ये तीनों किस में है बच्चे? पैरेलल में. आर आर आर, तीनों का पैरेलल क्या आएगा सर? R/3 आ जाएगा. और ये क्या है बच्चे? बी. अब दोनों किस में है बच्चे? सीरीज में. तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चे R+R/3, यानी कि 3R और R 4R/3. तो बच्चे ये आंसर आ जाएगा बी पार्ट का. स्क्रीन पॉज करके नोट करो, तब मैं आगे के आंसर CDE पार्ट इसके बनाता हूँ. नोट करो भाई, शाबाश. देखो बच्चे 45 का सी क्वेश्चन करते हैं, सुनो शाबाश. इसमें ये पॉइंट है बच्चे ए और ये पॉइंट है बी. आर इक्विवेलेंट पूछा है क्या होगा. शाबाश, सुनो देखो, अच्छा लगेगा, मिलकर करते हैं. ये दोनों किस में सर? आर और आर सीरीज में है. तो बच्चे इनको एक रेजिस्टेंस से दिखा सकते हैं, वो क्या आ जाएगा? 2R आ जाएगा. ठीक है भाई, शाबाश. तो बच्चे आपको दिख रहा होगा, जब भी 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा आपको एक साथ दिखाई दे तो आपके मन मंदिर में बात आ जानी चाहिए कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है. तो बच्चे देखो 1, 2, 3, 4, 5 रेजिस्टेंस है. तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट करोगे आर इंटू आर, ये इक्वल है बच्चे किसके? इसके और इसके प्रोडक्ट के, आर इंटू आर. तो दोनों इक्वल है एक दूसरे के, R² = R². तो बच्चे ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया. क्या हो गया? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. तो बैलेंस है तो बच्चे बीच वाली आर्म को क्या कर दो? गायब कर दो. क्या कर दो? गायब कर दो. शाबाश. अब देखो आर और आर किस में है सर? सीरीज में. तो आर और आर का सर सीरीज क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 2R. आर और आर किस में है सर? सीरीज में. तो क्या होगा सर? 2R होगा. 2R और 2R किस में है सर? पैरेलल में. तो बच्चे आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इसका? R आ जाएगा. आसान सा सवाल है, वही बहुत अच्छा सवाल है. देखो इसमें बढ़ते हैं बच्चे ए पॉइंट बी पॉइंट. ये बी है तो बच्चे ये भी बी होगा. क्यों? क्योंकि कनेक्टिंग वायर है. ये बी है तो बच्चे ये भी बी होगा. क्यों? क्योंकि कनेक्टिंग वायर है. तो ये भी बी, तो ये भी बी, तो सारे बी, तो ये ए है. तो बच्चे इधर बना दो ए और इधर बना दो बी. ये रेजिस्टेंस किस किस के बीच में? ये ए से कनेक्ट, ये बी से. तो ए और बी के बीच में बना दो भाई. शाबाश. ये किस किस के बीच में? ये ए, ये बी. तो बना दो भाई ए और बी चुपचाप. अब सब कुछ दिखेगा आपको. ये ए और ये बी, तो यहां पर बना दो बच्चे. ये आर आ गया. ये क्या है? ये ए है, ये बी है. तो बच्चे यहां पर बना दो. अरे क्या देख के बना सकते थे सारे पैरेलल में? नहीं बता सकते थे ना बच्चे, लेकिन अब बता सकते हो कि सारे पैरेलल में है. तो ये मजा है ना सवालों को करने का. तो बच्चे आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R/4. क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है भाई, इनको नोट करो, मैं मिटा के बच्चे ई पार्ट बनाता हूँ. ठीक है, देखो बच्चे 45 का ई पार्ट करते हैं. सुनो, मैंने आपको इसी में सी या बी सी पार्ट में बताया था कि जब भी 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा आपको दिखाई दे तो आपको ट्राई कर लेना चाहिए कि क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है. शाबाश. देखो 5 रेजिस्टेंस देखते हैं बच्चे. ये पॉइंट ए है तो ये ए ही रहेगा. ये पॉइंट ए नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे बीच में रेजिस्टेंस आ गया.
ना ये पॉइंट बी हो सकता है रेजिस्टेंस है, तो बच्चे जहां फंस जाओ उस पॉइंट को नया पॉइंट मान लो एक्स मान लो, बोलो पक्की बात है शाबाश। ये पॉइंट बच्चे बी नहीं हो सकता, बीच में रेजिस्टेंस आ गया। ये पॉइंट बच्चे एक्स नहीं हो सकता, बीच में रेजिस्टेंस आ गया। तो अरे ये तो फिर से फंस गए, तो बच्चे फिर से फंस गए, तो इस पॉइंट को मान लो वाई, बोलो पक्की बात है शाबाश। तो बच्चे जिन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस आपको बताना है इक्विवेलेंट, उन दोनों को साइड में बिठा दो, और बच्चे जो नए पॉइंट माने हैं उनको इनके बीच में बिठा दो ऊपर और नीचे, ठीक है भाई, पक्की बात है शाबाश। ये रेजिस्टेंस है बच्चे, ये पॉइंट किससे कनेक्ट है इसका, ये एंड किससे कनेक्ट है ए से, ये एंड कनेक्ट है एक्स से, तो ये रेजिस्टेंस है बच्चे ए और एक्स के बीच में, तो ए और एक्स के बीच में ये रेजिस्टेंस आप बना सकते हो। ये रेजिस्टेंस देखो बच्चे, इसका ये एंड कनेक्ट है ए से, इसका ये एंड कनेक्ट है वाई से, तो ए और वाई के बीच में बच्चे ये रेजिस्टेंस है, तो चुपचाप इनको बना दो आंख मीच के, है ना, आर वैल्यू है सभी की, बहुत अच्छी बात है। ये रेजिस्टेंस है बच्चे, इसका ये एंड एक्स से कनेक्ट है, ये एंड वाई से कनेक्ट है, तो एक्स और वाई के बीच में है, तो बच्चे एक्स और वाई के बीच में बना दो शाबाश। ये रेजिस्टेंस बच्चे देखो, इसका ये एंड एक्स से कनेक्ट है, इसका ये एंड बी से कनेक्ट है, तो बच्चे एक्स और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस है, तो ये एक्स रहा और ये बी रहा, शाबाश। ये रेजिस्टेंस देखो बच्चे, इसका ये एंड वाई से कनेक्ट है, ये एंड बी से कनेक्ट है, तो बच्चे ये जो रेजिस्टेंस है ये है वाई और बी के बीच में, तो चुपचाप यहाँ पे बना दो, ठीक है। अब देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आज मान लो कि है या नहीं है, तो बच्चे देखो इसका और इसका प्रोडक्ट आर इंटू आर आर स्क्वेयर, इसका और इसका प्रोडक्ट आर इंटू आर आर स्क्वेयर, अरे ये तो बराबर आ गया, क्या आ गया, बराबर आ गया, तो बच्चे इट इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसा ब्रिज है बच्चे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, शाबाश। तो ब्रिज बैलेंस है, तो बच्चे इस आर को गायब कर सकते हैं, तो देखो बच्चे दोनों किसमें आर आर सीरीज, सीरीज क्या बन जाएगा बच्चे टू आर, क्या बन जाएगा टू आर, आर आर सीरीज, सीरीज क्या बन जाएगा बच्चे टू आर, क्या बन जाएगा टू आर, टू आर किस, टू आर किसमें है बच्चे पैरेलल में, तो टू आर और टू आर पैरेलल में वही आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे आर, दैट इज आवर आंसर, ये क्या आ जाएगा बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा। तो शाबाश बच्चे, इसको नोट करो पॉज करके स्क्रीन, थैंक यू।